तो अभी आपने अपनी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देखा, ये नीट 2019 के एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके रिओप्टिक्स चैप्टर का है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन से फॉर्मूले पे बेस्ड है जो कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास 1/F effective इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में देखा होगा। तो हमसे यहाँ पे दो सिचुएशन दे रखी हैं और दोनों सिचुएशन में फोकल लेंथ का रेशियो पूछ रखा है। तो मैं दोनों सिचुएशन बनाता हूँ। तो पहली सिचुएशन है आपकी कि ये दोनों इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, वो एक दूसरे दूसरे से टच करके रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, और बोला है कि इफेक्टिव फोकल लेंथ है F1। ठीक है, तो अब मैं F1 को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ 1/F effective इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। मैं RHS पे दो ही टर्म्स लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे दो ही लेंसेज हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं वैल्यूज डालूंगा। तो मेरे को दे रखा है कि हर एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एफ है, तो इसकी वैल्यू मैं एफ लिखता हूँ, इसकी वैल्यू भी मैं एफ लिखता हूँ। सो दिस कम्स आउट टू बी 2/F। तो यहाँ पे से मेरे को पता चला कि एफ इफेक्टिव कितना हो गया, ये हो गया F/2 और हमें यही दे रखा है F1 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन में मैं इसकी वैल्यू F1 के बराबर दे रखी है। ठीक है, अब मैं सेकेंड सिचुएशन देखता हूँ। तो सेकेंड सिचुएशन में बस एक ही चेंज है कि दोनों लेंसेज के बीच में ग्लिसरीन डाला हुआ है। तो दोनों लेंसेज के बीच में मैं ग्लिसरीन डालता हूँ, तो ये मेरा पहला लेंस और ये मेरा एक और लेंस। ठीक है, और यहाँ पे बीच में ग्लिसरीन डाला हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द ग्लिसरीन दैट इज देयर। ठीक है, तो ग्लिसरीन के डालने से क्या चेंज हो गया, तो अभी आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे दो लेंस थे बट यहाँ पे भी तीन लेंस हो गए, एक ये लेंस और ग्लिसरीन खुद भी एक कॉन्केव लेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अभी मैं इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ लिखूं, तो मैं लिख सकता हूँ 1/F effective इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। ठीक है, क्योंकि तीन टर्म्स हैं यहाँ पे, तीन लेंसेज हैं, तो मैं यहाँ पे तीन टर्म्स लिखूंगा। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यूज डालता हूँ तो मैं F1 की वैल्यू लिख देता हूँ F2 जो कि मेरा कॉन्केव लेंस है, मुझे पता है कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो मैं इसको लिखता हूँ -F। और तीसरा लेंस मेरा फिर से कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी वैल्यू होगी F। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा एंड F effective विल कम आउट टू बी F विच इज F2 इन द क्वेश्चन। तो अभी मैं यहाँ पे F1 और F2 का रेशियो लूँ तो रेशियो विल कम आउट टू बी 1/2 विच इज योर ऑप्शन 4। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और जिन्होंने हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिया है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को रिव्यू जरूर करें।